चल थोड़ा घुरा यार जी। जो मानजोग एसएसपी मैडम अश्विनी गुटैल आईपीएस एसएसपी बटाला जी दे दिशा निर्देशों ते काम करते हुए जो नजायज़ हथियारां अते जुर्म नूं होण तों पहलां ही प्रिवेंटिव एक्शन लैंदे हुए बटाला पुलिस ने नजायज़ हथियारां दे समेत दो दोषी काबू किए हैं, जिस विच इक असी दो दोषी काबू करके ते पंज जिहड़े आ 32 बोर दे पिस्टल बरामद करके इक सानूं वड्डी सफलता हासिल हुई है। इस विच मिति 24/7/2023 नूं साढ़े सी आई ए स्टाफ बटाला अते नाल एस एच ओ कादियां पास इनफॉर्मेशन सी, उस इनफॉर्मेशन दे आधार दे उत्ते रंगण नंगल दे नेड़े अमो नंगल दे उपर नाकाबंदी की हुई सी, जिस विच दो दोषियों नूं जिहड़ा वो काबू किया गया। तो इन्हां दोनों दोषियों के नाम हैं गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र जगतार सिंह वासी शाहबाद थाना रंगण नंगल, दूजे दोषी का नाम है साजन मसीह पुत्र गरमेज मसीह वासी दीवानीवाल खुरद थाना सिविल लाइन बटाला जी। जो असला ही कितों लैके आंदे सी, जो इन्हां इन्हां दे कोलों पंज पिस्टल ते छे राउंड बरामद होए आ, ये एम पी स्टेट दे विच्चों इंदौर दे विच्चों ये वैपन लैके आए ने जी। इन्हों का रिकॉर्ड दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मुकदमा नंबर 25 गुरप्रीत सिंह पहला ही दर्ज हैगा है एन डी पी ए सैक्ट का, तो साजन मसीह के खिलाफ 379B 379 आई पी सी का, तो आम सैक्ट के पहला मुकदमे दर्ज, दोनों में बेल आउट सी। सो ये हुण इन्हां दे असी इस मुकदमे की तफ्तीश के तीन दोषी होर नामजद किए आ, जो ये जो असी इन्हों इन्हां पंजां जणयां ने रल के ये जिहड़े वैपन पंज वैपन मंगवाए सी, तो इन्होंने इन्हां वैपनां नूं जदों इन्हां दे कोल हुण पहुँच चुके सी, तो हुण इन्हां ने कोई ना कोई जिहड़ी आ वारदात नूं अंजाम देना सी। जो असी इन्हां नूं उत्थों जदों एम पी तों लैके आए ने सानूं इनफॉर्मेशन मिली, तां असी इन्हां नूं बटाले च एंटर करदे हुए असी इन्हां नूं नाके तों पहलां ही फड़ लिया। जी जिस तरह साडी इनफॉर्मेशन सी तो मुढ़ली तफ्तीश है, ये वैपन अजे उत्थों लैके ही आए ने, असी इन्हां नूं पहलां ही काबू कर लिया। बिल्कुल, असी जितों भी ये दूजी अदर स्टेट तो भी लैके आए ने, असी उन्हां दोषियों नूं भी नामजद दे विच पुछगिछ दौरान जिहड़ा आएगा उन्हां नूं भी नामजद करन जा रहे हैं, तो इहदे जिहड़े साथी ने तीन होर दोषी उन्हां नूं भी नामजद कर लिया गया। सर मैगजीन किन्ने ही ये पांच ही मैगजीन ने इन्हां दे नाल अटैच हुए ने, तो छे राउंड मिले ने जी। ये अगे दी तफ्तीश दे विच पार्ट हैगा, जिहड़ा जिहड़ा इहदे विच इनवॉल्व है, जिथों इन्हां नूं जानकारी मिली सारा इन्वेस्टिगेशन दे विच आ जाएगा। जी ये पहला भी ये दोनों जाने एक एनडी दे केस विच अंदर है, दूसरा रह चुका, दूसरा 379B स्नैचिंग की वारदात ते नाल आर्म्स एक्ट भी पहला असला भी यूज़ कर चुका है। सो इन्हां दा मंशा जिहड़ी उही है, लुट्टां खोहां करनियां ते किसे नूं नुकसान पहुँचाउणा, ट्रेन ते बस ते, उस तों बाद अगे बस तों उतरे आ ते फिर इन्हां नूं फड़ लिया गया।